हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि बिहार सिपाही का रिजल्ट जून के अंतिम सप्ताह में संभावित थी, लेकिन जून के पहले ही है जो कि रिजल्ट दे दिया गया है। और बताया था कि ट्रेनिंग की तैयारियां शुरू की जा रही है, इसका मतलब रिजल्ट है जो कि आज जो कि आपको वेबसाइट पर आ चुकी है। 11,880 रिक्तियों के विरुद्ध 4/10/2019 को विज्ञापन संख्या ये प्रकाशित किया गया था और दो सीटिंग में परीक्षाएँ हुई थी। 12/1/2020 को 668,016 और 8/3/2020 को 5,96,641 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था और 460 है जो कि अयोग्य घोषित किए गए थे। अब अगले चरण में क्या हो जाएगा, 5 गुना है जो कि रिजल्ट है जो कि दिया गया है और कितने 10,52,243 अभ्यर्थी जो कि सम्मिलित हुई थे। सीटों की संख्या कितनी है आपको, 11,880 सीटें हैं। लिखित परीक्षा फल है जो कि में अगले क्या होना होगा, आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों का परीक्षा फल प्रकाशित किया गया। शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन जुलाई 2020 के तृतीय सप्ताह में प्रस्तावित है और अगले चरण में अभ्यर्थियों क्या करना है, शारीरिक दक्षता में दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद सम्मिलित एवं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड कोई छूट अनुमान नहीं होगी। सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची है जो कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं के में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर हो तैयार की जाए। मतलब साफ है कि आपने पीटी में कितना भी स्कोर लाया हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप जितना आप दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में अच्छा स्कोरिंग करेंगे उतना है जो कि आपको मेरिट बनेगी। मतलब आपको सिर्फ फिर पास होनी थी और ये जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है ये आपको तृतीय सप्ताह में संभावित है। और कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, ये सीटें कितनी हैं, तो ये आप जानते ही हैं। सामान्य वर्ग के 4,778, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के 1188, एससी के 1893, एसटी के 119, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 2129, पिछड़ा वर्ग के 1419, पिछड़े वर्ग की महिला के 354। और ये आपको दिया हुआ है कि कितने कितने हेतु की पूरा डाटा दिया हुआ है और कितने लोग पास किए हैं। कुल जो हैं आपको आपको 58,264 लोग हैं जो कि पास किए हैं। गैर गृह रचकों की मूल रिक्ति का 5 गुना दिया गया है, 29,835 दिया गया है। 12,065 है जो कि सामान्य वर्ग से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 2985, एससी से 4735, एसटी से 295, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 320, पिछड़ा वर्ग से 3550, पिछड़े वर्गों की महिला के 885। तो ये आपको गैर गृह रक्षा कोटि के चयनित उम्मीदवारों का सूची है कि कितने कितने जो कि अनारक्षित में पास किए हैं, मूल रिक्ति कितनी थी और कितने। उसके बाद है जो कि और भी जो अन्य हैं उसके है रिजल्ट आप देख सकते हैं वेबसाइट पर, सीएसबीसी पर है जो कि उपलब्ध है। केंद्रीय चयन बिहार सिपाही चयन परिषद के वेबसाइट पर आप मिला सकते हैं। रोल नंबर जिनका नहीं मिल रहा हो वो जल्द से जल्द है जो कि एडमिट कार्ड को देख सकते हैं और अपना रोल नंबर जो कि फटाफट मिला लें। तो आप रोल नंबर जिनको, और ये बहुत पन्ने में रिजल्ट आया है, टोटल जो रिजल्ट है लगभग कितनी है, तो 59,000 है जो कि रिजल्ट है और क्योंकि 58,264 है जो कि टोटल रिजल्ट है 11,880 के बनिस्पत। तो आप लोग है जो कि फटाफट और शारीरिक दक्षता के लिए, क्योंकि जुलाई के तृतीय सप्ताह में, क्योंकि आपको ज़्यादा काफ़ी समय नहीं है, अगर आप तृतीय सप्ताह का मतलब हो गया कि आपको 15 के बाद है जो कि, तो लगभग जो कि 1 से 1.25 महीने का समय है और जिनका सिलेक्शन हो गया वो सीधे जो कि फील्ड जाएँ और जितनी संभव हो, अगर आप अच्छी है तो और अच्छी करें, अगर थोड़ी हेल्थ है तो थोड़ा हेल्थ घटाने की कोशिश उसके बाद ट्राई करें। लेकिन समय आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है, आपको 1 से 1.25 महीने ही समय दिया जा रहा है। तो इसी अच्छी खबर के साथ धन्यवाद।